नमस्कार दोस्तों, कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पतंजलि के जैसी अजवाइन विद एलोवेरा फ्लेवर, साथ में और भी बहुत सी औषधीय सामग्री इसमें डालने वाली है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, एलोवेरा और अजवाइन मिलकर बहुत सी बीमारियों को मात दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यह औषधि है, तो इसे आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको एसिडिटी है, मोटापा है और भी बहुत सारी ढेरों बीमारियां हैं आजकल, तो इन सब बीमारियों के लिए रामबाण उपाय है ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब देखिए, सभी जानते हैं कि एलोवेरा और अजवाइन हेल्थ के लिए है तो अच्छी, लेकिन खाना पसंद नहीं करते बहुत से लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका टेस्ट ही पसंद नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ ना, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से एलोवेरा काट लेते हैं। और बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं कि आपका एलोवेरा किस तरह का है, कैसी इसकी स्पीसीज है। तो ये देखिए, जब ये छोटा होता है ना, तो वाइट वाइट से इसमें स्पॉट होते हैं। जैसे जैसे पत्तियां बड़ी होती जाएगी, स्पॉट खत्म हो जाते हैं। ये देखिए, जो बड़ी वाली पत्तियां हैं इसमें वाइट स्पॉट नहीं है। तो इस तरह का जो एलोवेरा है ना, वो कड़वा नहीं होता है। अब आपको क्या करना है कि कम से कम आधा घंटा इसे ऐसे ही रेस्ट पर रख देना है, जिससे कि इसका जो काले वाला पार्ट है वो निकल जाए। उसके बाद देखिए, मैंने इसे धो लिया है। अब इसमें से जो काला काला सा लिक्विड निकल रहा था वो बंद हो गया। अब धोने के बाद इसको आप दोनों साइड से काट लीजिए और फिर इसका हम जेल निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हल्के हाथों से आपको इसकी जो पत्ती है ना, वो निकालनी है ऊपर से। जेल इसमें ज़्यादा ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जैसे मैंने निकाला ना, वैसे ही निकालना है। जेल दूसरी साइड बिल्कुल भी नहीं रहा है। और फिर स्पून से, चम्मच से इसे आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया जल इसमें निकला है। और अब इसे आप डाल लीजिए मिक्सी के जार में। तो दोस्तों, सारा जल आपको इसी तरह से निकालना है। अगर पत्ती में थोड़ा बहुत जल रह जाए तो उसे आप फेस पर या हाथ पैरों पे मल सकते हैं, क्योंकि स्किन के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो सारा जेल देखिए मैंने निकाल लिया है। अब आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद इसे हम डालेंगे एक बड़े बाउल में और इसे छान भी लेंगे। छानने से क्या होगा कि अगर कोई चंक्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इसमें चंक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। आप देखिए, स्पून को हल्का सा इस तरह से दबाएंगे तो चंक्स भी मेल्ट हो जाएंगे। तो इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कितना हमारा जेल है, कितना जेल चाहिए, ये भी मैं आपको मेजरमेंट के साथ दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने जेल लिया है 150 ml से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखिए, 150 से ऊपर है ना, 200 से कम है। तो तकरीबन 160 ml जेल मेरे पास तैयार हुआ है। और कितनी मैंने अजवाइन ली है ये भी आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अजवाइन ली है। तो अजवाइन को पहले हम छांट लेंगे। अजवाइन को अच्छी तरह से छांट लीजिएगा। कोशिश कीजिए बड़े दाने वाली अजवाइन हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और हाँ, जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, देखिए इस तरह के, उन्हें आप निकाल दीजिएगा। चाहे तो किसी और चीज़ में यूज़ कर लीजिए, चाय वगैरह में अजवाइन काम आ जाती है। और हाथों से इस तरह से मसल भी लीजिएगा। तो मोटे मोटे दाने होंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब वेट करके बताती हूँ। ये देखिए, ये है टोटल 75 ग्राम। तो टोटल 75 यानी कि 75 ग्राम मेरे पास यहाँ अजवाइन है। उसी के हिसाब से आपको सारा मेजरमेंट मैं दिखा रही हूँ। अब जेल के बीच में अजवाइन को डाल लीजिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जेल भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अजवाइन जो है वो अच्छे से इसमें भीग गई है। तो ये देखिए, इतना जेल जो है होना चाहिए, बिल्कुल बराबर अच्छे से ये इसमें जेल एडजस्ट हुआ है। अब आपको क्या करना है कि कम से कम 4 घंटे इसे ढक कर रख देना है, ठीक है, जिससे कि जेल अच्छे से इसमें चला जाए। अब देख लेते हैं दूसरी सामग्री। तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए सौंठ, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक। और सारी सामग्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई मिल जाएगी। ये देखिए, ये मैंने लिया है समुद्री नमक, रॉक साल्ट जिसे कहते हैं, या सेंधा नमक। और ये है धनिया का पाउडर। साथ में हमें चाहिए भुने हुए जीरे का पाउडर। भुने हुए जीरे का पाउडर लेना है दोस्तों।
और ये है अमचूर पाउडर। वैसे इसमें हम नौसादर भी डाल सकते हैं, लेकिन नौसादर सभी को नहीं मिलता है, इसलिए स्किप कर लीजिए। और ये है सिट्रिक एसिड, नींबू का सत जिसे कहते हैं। और ये है पिपली, लॉन्ग पेपर पाउडर। ये देखिए इस तरह की होती है देखने में। तो छोटा सा हमें चाहिए तेज पत्ता। आपके पास अगर तेज पत्ते का पाउडर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो ये देखिए 4 घंटे के बाद अजवाइन और एलोवेरा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। अब हमें क्या करना है कि एक बर्तन लेना है और उसमें अजवाइन को डाल देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर इसको पकाना है। साथ में डाल देना है तेज पत्ता छोटे छोटे टुकड़े काट कर, क्योंकि हमारे पास पाउडर नहीं है ना, तो इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट कर हम इसे डाल देंगे। और थोड़ा सा नीचे जैसे दबा रही हूँ तेज पत्ते को, जिससे कि अच्छे से ये पक जाएगा। और देखिए जैसे ही इसमें स्टीम बनने लगेगी ना, आप फ्लेम को कर दीजिए लो। लो फ्लेम पर ही अब इसे हम पकाएंगे। अब मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि इसे हम दवाई के जैसे बना रहे हैं। तो आराम से इसको आप पकाइएगा। देखिए बहुत आसान है बनाने में, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और इसको थोड़ा सा टाइम देना है पकाने में। और हल्के हाथों से देखिए इस तरह से इसको चलाते भी रहना है, लेकिन हल्के हाथों से ही स्पैचुला चलाना है, ठीक है। अब थोड़ी देर में जब ये थोड़ा सा इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाएगा ना, देखिए थोड़ी सी देर पक गया है। 10 मिनट के बाद मैं मसाले डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, ये देखिए। साथ में डाल देंगे पिपली या मघा का पाउडर। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए। लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ, मीडियम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मसाले हैं ना, ये तभी डालिएगा जब थोड़े से हमारी जो अजवाइन है सूख जाए, इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब मसाले डालने हैं। साथ में डाल देंगे अमचूर पाउडर और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, नींबू का सत जिसे कहते हैं। इसको अब मिक्स कर लीजिए। अब देखिए ये जो मसाले हैं सारे बढ़िया से इसके अंदर चले जाएंगे, और हर एक मसाले का अपना अलग अलग सा फ्लेवर होता है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो इसको आप बीच बीच में चलाते रहिए, थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इसको चलाना भी नहीं है, बहुत हाई फ्लेम भी नहीं करनी है। ये देखिए अब फ्लेम बंद कर दी मैंने, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ है, अब इसमें देंगे दम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जो मेन टिप है मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आगे भी सिखाऊंगी कि इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है और दम इसे जरूर लगाना है। दम कैसे लगाया जाता है वो आपको बताती हूँ। तो 1 मिनट आपको बिना गैस जलाए इसे बंद कर कर रखना है, ठीक है। अब बस 1 मिनट के बाद इसको मैं खोल रही हूँ। बिल्कुल भी गैस मैंने ऑन पहले नहीं करी थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने जब दम दिया था ना तो मॉइस्चर बीच में ही रह गया था। दम देने से क्या होगा कि हमारे मसालों का फ्लेवर एकदम से इसमें चला जाएगा। फिर से मैंने फ्लेम बंद कर दी। देखिए बंद फ्लेम करने के बाद फिर मैंने इसको 1 मिनट का दम दिया, और फिर उसी तरह से आपको इसे चलाना है। तो 2 से 3 बार इसी तरह से आपको इसको दम देना है। दम देने के बाद फिर से इसको लो फ्लेम पर पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक कि सारा मॉइस्चर इसमें से चला ना जाए। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, थोड़ी वाइट हो रही है, ये पहले काले कलर की हो गई थी। अब इसमें डाल दीजिए नमक। नमक तभी डालना है जब मॉइस्चर आपको लगे ख़त्म हो गया, ठीक। आप दोनों नमक मैंने डाल दिए, काला नमक भी और समुद्री नमक भी। और देखिए नमक तभी डालना है जब आपको लगे कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहा है। लास्ट में इसीलिए हमने नमक डाला है, अगर पहले डाल देंगे तो फिर हमारी जो अजवाइन है बाद में मॉइस्चर पकड़ लेती है। और 2-3 मिनट इसको हम अब रोस्ट करेंगे। बीच में आपको लगे फ्लेम ज़्यादा है तो बंद भी कर सकते हैं। अब ये देखिए आवाज़ सुनाती हूँ, तो देखा आपने कितनी बढ़िया क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब अजवाइन हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़ी देर पैन में इसको फैला कर रख लीजिए। उसके बाद प्लेट में इसको आप पलट लीजिएगा,
और ठंडा होने के बाद ही इसे कंटेनर में डालेंगे। तो दोस्तों, हमारे औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा और अजवाइन की जो रेसिपी है वो तैयार है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में, छोटे बॉक्स में भर कर रखिए और इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। पकाते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा मॉइस्चर इसमें से खत्म होना चाहिए। बिल्कुल क्रिस्पी आपकी अजवाइन रहेगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो बस जो जो टिप्स बताए उनको आप फॉलो कीजिएगा।